सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया भाई बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो है आपने इस प्रेस ब्रीफिंग को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आए। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज जो है हमारे यहाँ के बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जो है अभी SSC एग्ज़ामिनेशन के लिए अपने फॉर्म्स को फिलअप किया है और हमारे SSC एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं। तो अभी ये एक्चुअली कल से जो है एक इश्यूज जो है बाहर निकल के आ रहा है, जिसमें कुछ हमारे जो बच्चों ने जो है एग्ज़ाम सेंटर्स जो है ले ऑप्ट किया था लेकिन उनको जम्मू दिया गया, इस तरह के इश्यूज था। और फॉर्म्स में जो है कुछ छोटे कुछ एरर्स के कारण जो है उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया करके इस तरह के इश्यूज आया। जो जो ही हमें इंफॉर्मेशन कल शाम को मिला, तब से जो है हमने इमीडिएटली जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने फ़ोन किया और उनको हमने ये बताया कि इमीडिएटली इस मैटर्स को आपको जो है SSC कमीशन के साथ टेकअप करना चाहिए। और कल शाम जो है हमारे पास जो डेलीगेशन आया था, जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ के जो प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए थे, उनको भी हमने समझाया, उनके सामने भी हमने बात किया। उसके बाद उनको हमने इमीडिएटली UT एडमिनिस्ट्रेशन के पास रात को शाम को तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास भेजा। वहाँ पे भी उन्होंने डिटेल में डिस्कशंस किया, अपने सारे इश्यूज़ को जो है उनके सामने रखा और उस इश्यूज़ को ले कर जो है हमने जो है SSC कमीशन में बात किया। तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रहा है। जिनके फॉर्म्स में कुछ छोटे से जो एरर जो बताते हैं हमारे जो बच्चे बताते हैं उसके कारण रिजेक्ट हुआ है, तो उन पे काम चल रहा है। बाकी सेंटर जिन्होंने ऑप्ट किया है ले लेकिन उनको नहीं मिला, जम्मू मिला है, तो वो हमें अभी नहीं लगता है कि सारे को जो है ले में एकोमोडेट कर पाएंगे या कारगिल में एकोमोडेट कर पाएंगे, क्योंकि इतना हमारे पास एकोमोडेट करने का जो है रिसोर्स ले में नहीं है। तो इसलिए जो है जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़ इन सब में भी सेंटर दिया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने दिल्ली में ऑप्ट किया है, चंडीगढ़ में किया है, जम्मू में किया है, श्रीनगर में किया है। तो ये कुछ लोगों ने बच्चों ने जो है हमारे ले ऑप्ट किया होगा लेकिन उनको नहीं मिला होगा, तो आप ये जाहिर सी बात है इसका एक नोटिफिकेशन में भी पहले जो है SSC कमीशन ने जो है क्लियरली मेंशन किया था कि अल्टीमेट जो है फाइनल एलोकेशन ऑफ सेंटर्स का जो राइट जो है वो जो है कमीशन के पास रहेगा। और कमीशन ने जो है ले में जब सेंटर एलोकेशन की बात किया तो प्रिफरेंस उन्होंने जो है महिलाएँ और डिफरेंटली एबल बच्चे इस तरह के जो है उनको प्रेफरेंस दिया। उसके बाद ये सारा जो है एक रैंडम सिलेक्शन के तौर पे हुआ है। तो सेंटर में हमें नहीं लगता है कोई खास उसमें कोई चेंजेस हो सकता है करके, लेकिन फिर भी जो है बातचीत चल रहा है। और हमारे ऑनरेबल MP साहब भी जो है दिल्ली में बातचीत कर रहा है। मैंने आज खुद ही एडवाइज़र साहब से बात किया है, तो UT प्रशासन के द्वारा भी जो है आगे बातचीत चल रहा है। तो जितना भी हो सकता है जो हमारे बच्चों के इश्यूज़ के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम ईज आउट करने की पूरा कोशिश करेंगे। बाकी मेरा इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये बताना है कि जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम एक तरीके से शुरू हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, समय पे मेरे ख्याल से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुँचना चाहिए। और थोड़ा दिन प्रिपरेशन के लिए भी, फिर उसके बाद जो है वेदर का जो है प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी जो है बहुत सारे अगर जो बाय रोड निकल रहे हैं तो रुझिला थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और यूजुअली जो है रुझिला रूट जो है लोग लेते हैं। बाकी जो एफर्ट कर सकते हैं वो बाय एयर भी ट्रैवल करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अभी हमें एक्चुअली में तो पूरा एक एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है, लेकिन आज हमारे हमारे नॉलेज में जो है यहाँ के जो है बच्चों ने लाया, आज हमारे जब SSC के जो कंक्लूडिंग फंक्शन में वहाँ पे भी जो है बच्चे आए और उन्होंने भी जो है हमें रिक्वेस्ट किया कि उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो जम्मू पहली बार जा रहा है, इस तरह का उनका कहना है, जिन्होंने ले में बैठ के ग्रेजुएशन किया है, तो जिनको एक्सपोजर नहीं है, बाहर का एक्सपोजर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमने इन सभी इश्यूज़ को ध्यान में रख के हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक निर्णय ये हुआ है
कि हम जो है इस बार भी जो है जैसे आमतौर पे हमने अभी एसएससी की कोचिंग में जो है काउंसिल के द्वारा जो सहयोग दिया है, इस पे यहाँ पे भी जो है हम अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही जो है अंडर प्रिविलेज है, जो फाइनेंशियली जो है कमज़ोर है, जो जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं जम्मू ट्रैवल करना, रहना वहाँ पे एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है हम ये कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम वन वे ट्रांसपोर्ट जो है एक यहाँ लेह से जो है जम्मू तक का हम देंगे, और बिल्कुल जो मोस्ट डिजर्विंग है, जो बिल्कुल भी मतलब एफर्ट करने में थोड़ा उनको इश्यूज आता है, तो उनको जो है हम टू एंड फ्रो बोथ साइड हम ट्रांसपोर्ट उनका हम उसका जो खर्चा जो है हम उठाएंगे। बाकी एकोमोडेशन के लिए जो है जम्मू में हमारे पास जो है लद्दाख सराय है, और हमारे पास मुट्ठी में गर्ल्स हॉस्टल है, उसी तरह जो है लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के पास भी कुछ एकोमोडेशन है, उसी तरह कुछ और संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें कहा है कि हम वहाँ पे उनको एकोमोडेट करेंगे। हमारे लेह के डीसी साहब ने भी जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके गुरुद्वारा में भी जो है कुछ एकोमोडेशन के जो है बातें सामने आए हैं, तो इस चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और प्रिविलेज जो है गर्ल्स और जो है अंडर जो प्रिविलेज मोस्ट डिजर्विंग जो फाइनेंशियली कमज़ोर है उनको वहाँ पे एकोमोडेट किया जाएगा। वो ऑलरेडी जो है उनका जो है खर्चा बहुत नॉमिनल होता है, जो उसके जो रेंट वगैरह है वो कम होता है। तो बाकी हमने जो है ये सारे जो है जितने भी बच्चे वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर जो है एकोमोडेशन ढूंढने में हो या उनको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में कुछ दिक्कत या आता है या अदरवाइज कुछ इश्यूज आता है, तो हमने ऑफिशियली जो है अभी डीसी साहब हम आज मीटिंग में डिसाइड हुआ है, तो डीसी साहब इसका शायद नोटिफिकेशन एक ऑर्डर जो है फॉर्मली जो है कल या परसों तक निकाल देंगे, जिसमें हमने जो है ऑफिशियली जो है लाइजनिंग ऑफिसर को वहाँ पे जम्मू पे हमने अपॉइंट किया है। बाकी मीनवाइल जो लद्दाख सराय लद्दाख हाउस के जो हमारे मैनेजर है वो भी एज एलो वहाँ पे काम करेंगे, मुट्ठी हॉस्टल के जो गर्ल्स हॉस्टल के जो वार्डन है वो भी वहाँ पे एज एलो काम करेगी, तो इमीडिएटली उनके साथ भी कांटेक्ट किया जा सकता है। जिन बच्चों को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा ऑफिशियल टेलीफोन नंबर सबका बहुत ही जल्द हम जो है आपको जो है ये सर्कुलेट करने वाले हैं, जो कंसर्न जो ऑफिसर जिनको हम डिजिग्नेट करेंगे। और बाकी जो है ऑनरेबल इसी गुलाम मेहदी साहब जो एम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर जो है उनके पोर्टफोलियो में आता है, तो वो भी जो है जम्मू विजिट कर रहे हैं, और उनके साथ एक ऑनरेबल काउंसलर साहब भी साथ जा रहे हैं, वो जम्मू विजिट करके ओवरऑल सुपरविजन करेंगे कि अगर हमारे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कोशिश हमारा ये है कि कम से कम जो है हम अपने बच्चों को जो है वहाँ पे वार्डन होने देंगे, जितना कोशिश हो सकता है काउंसिल आगे बढ़ के काम करेंगे। बाकी मेरा यही निवेदन है कि हर किसी को जो है थोड़ा सा अपने आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, और जो लोग जो है एफर्ट कर पाते हैं वो अपने हिसाब से उनको अरेंजमेंट देखना चाहिए। बाकी जम्मू स्टूडेंट यूनियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है कि आप वैसे भी जो है हर मुश्किल में आप लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस बार भी आपसे उम्मीद है, जितने भी जो यहाँ से बच्चे आते हैं स्पेशली फ्लंग स्टेज जिनको जम्मू के बारे में कुछ पता नहीं हो, ले से पहली बार बाहर निकल रहे हो, ऐसे बच्चों को जो है आपको गाइड करने की ज़रूरत है, उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, और अपने जो भी आपके पास एकोमोडेशन अवेलेबल है वहाँ किन लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है उसके प्रति भी आपको देखना है। बाकी एक्चुअल एक डाटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो शायद डीसी साहब एक ऑफिशियली मीटिंग लेंगे, किसी को अपॉइंट भी करेंगे, और मैं अनएम्प्लॉयमेंट के जो यूथ के जो जो प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक आप एक डाटा एक कंपाइल करें और एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हमें दें कि कितने बच्ची है कितने बच्चे हैं जो जम्मू ट्रैवल इस गवर्नमेंट सर्विसेज का फ़ायदा उठा के जाना चाहते हैं, तो उसका एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में आसानी हो जाएगा। तो बाकी हमारा यही है कि टेंटेटिव डेट बाय 27 इवनिंग ऑनवर्ड्स तो हमारे जो गाड़ियां जो है यहां से निकलना शुरू होगा, जिसमें हमारे एसआरटीसी के बसेस भी हैं, हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर के बसेस भी हैं, मजदा के जो छोटे बसेस हैं वो भी इन्वॉल्व है इसमें, और जगह का जो है भी वो जो है इन्फॉर्मेशन बाय मंडे
सभी को दिया जाएगा कि ये गाड़ियाँ इस जगह से निकलेंगे। तो एक बार मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हमें दे। बाकी सभी बच्चों से दरख्वास्त करना चाहूँगा सेफली जाए, एक दूसरे का मदद करें, जिनको कुछ पता नहीं है उनको गाइड करें। तो बस यही आपसे निवेदन है, और सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे और एग्ज़ाम को जो है सक्सेसफुली आप एपीआर होके उसमें जो है अच्छा अच्छा स्कोर करें। जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक है।